जिसकी वजह से अभी मेरा झगड़ा चल रहा है। क्या हुआ कि बीच के कुछ जो नारद मुनि होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का दिन मेरा इतना बुरा है कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह जैसे मैं सो के उठी, मैंने चाय बनाने की मतलब आई मैं चाय चढ़ाने चाय पीने के लिए, तो सारा दूध का पतीला गिर गया। और दूध का पतीला गिरना तो होता ही है बुरा, मतलब दूध गिरना बुरा होता है, दूध के पतीले से क्या ही रिलेट कर दिया। और जब मैं रूम में गई तो बाबू ने पूरे बिस्तर पे पॉटी कर दी थी चुटकी ने। और आप लोगों ने कल मेरा एक वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं कोई भी रायता इंस्टाग्राम पे नहीं पसारना चाहती, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंस्टा पे फॉलोवर या वगैरह वगैरह के लिए ये रायता पसार रहे हैं। पर इंस्टा से ना मुझे उसका कोई मतलब है ना उसके मेरे से। मैंने उसकी आईडी अनफॉलो मार दी, उसने भी मेरी आईडी अनफॉलो मार दी। कुछ ऐसी नॉर्मल बात हुई जिसकी वजह से हम लोगों का झगड़ा हो गया। और उस झगड़े में एक नारद मुनि है जिन्होंने सारी टिप्पणी इधर से उधर की है, ठीक है। तो बाकी हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर से उधर क्यों की, बट यार होता ना एक मतलब बोलने का सेंस। मैंने सिर्फ ये बोला कि यार इसको इसके कैसे 1.1 मिलियन फॉलोवर हो गए, कौन है जो इसको फॉलो करता है, मतलब हम भी तो वीडियो बनाते हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। तो बस ऐसी जस्ट नॉर्मली बात हुई थी। तो वो लोग अब उसने जाके उसको बता दिया। और तो और मेरे पति मेरे बच्चों सबको लेके बोलती है कि अपने आप को ज्यादा फेमस समझती है, अपने बच्चे को भी यूट्यूब मतलब इंस्टाग्राम पे ले आई। भाई वो मेरा हेडेक है, मैं अपने बच्चे को फेमस करने के लिए नहीं लाई हूँ, मैं अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि उसकी छोटी से छोटी मेमोरी वाली चीजें मतलब लाइफ टाइम मेरे पास सेफ रह सके। क्योंकि बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, फोन में आप इतनी सारी चीजें नहीं रख सकते, है ना। अगर रख सकते हैं, स्पेशली बात यह ना कि भाई अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हुए, उसे क्या ही पता चलेगा। बाकी मेरे को तो पूरा ही लपेट लिया। फिर और कहती है कि आपके खुद अपने कपड़े का ड्रेसिंग सेंस देखिए, आप कैसे ड्रेस पहनते हैं वगैरह वगैरह। आप लोग बताइए, मैं कुछ गलत कपड़े में कभी वीडियो बनाया मैंने कोई भी? वैसे तो कपड़े तो कोई गलत नहीं होते, किसी को हम टिप्पणी दे ही नहीं सकते ड्रेसिंग सेंस पे, पर आपको क्या लगता है कि मैंने कोई घटिया कपड़ों में या फिर कैसे भी वीडियो बनाई है? मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ कि मेरे क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे इन-लॉज भी देखते हैं, सब देखते हैं, तो मैं थोड़ा स्टेबल होकर ये वीडियो बना सकती हूँ ना। मैं ना मैं आप लोगों को उसके एक एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, क्या क्या बात हुई, क्या कहाँ से बात हुई, कैसे बात हुई, ठीक है। मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो में डालूंगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज इतने कमेंट करिए मेरे चैनल पे कि दीदी हम आपको सपोर्ट करते हैं, दीदी हम आपको सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे ही है ना। और अगर उसने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाली तो मैं उसका भी वीडियो का वो लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि वो मेरे बारे में क्या कहती है ना। मतलब हमको हमारे एक दूसरे के इंस्टाग्राम से कोई खिचपिच नहीं है, ठीक है। हम लोगों का पर्सनल मैटर है और हम नहीं चाहते किसी के साथ भी कोई भी इशू हो। तो जो भी लोग मेरे सपोर्टर हैं या मुझे प्यार करते हैं, वो सिर्फ मेरे यूट्यूब पे आके मुझे कमेंट करिए, मैं बहुत ही जल्दी ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मैं सारे स्क्रीनशॉट्स डाल रही हूँ।